फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम और कोकोनट पाउडर से बनी बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना अपनी ये बर्फी। सबसे पहले हम एक आम लेंगे, उसको छील के उसके पीसेस कट करेंगे और उसकी प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी के अंदर मैं और भी चीजें ऐड करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस आम को छीलूंगी। मैंगो को मैंने काट लिया है पीसेस में। ये मेरा आम जो है 250 ग्राम है। अब मैं इसको जार के अंदर डालूंगी। आम आप बिना रेशे वाला ही लें। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर डालूंगी। और 1 कटोरी चीनी। अब मैं इनका सभी का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। प्यूरी को मैंने तैयार कर लिया है, अभी मैं इसको साइड में रखूंगी। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूंगी, इंडक्शन ऑन करेंगे और 1 कप मैंने नारियल पाउडर लिया है, ये मेरा 100 ग्राम है। इसको मैं हल्का सा पहले भूनूंगी। इसमें जब हल्की सी खुशबू आ जाए तब आप इसको कढ़ाई के अंदर से निकाल लें। नारियल पाउडर मेरा भून गया है, मैंने इसे केवल लो फ्लेम पे ही भूना है 2 मिनट। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर से निकाल दूंगी। मैंगो पल्प को हम अब कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है इसके कलर चेंज होने तक। इसे लगातार चलाना है इसके कलर चेंज होने तक, क्योंकि इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है तो कॉर्नफ्लावर जल्दी कढ़ाई में चिपकने लगता है। मैंगो पल्प का कलर देखिए चेंज हो गया है। ये मैंने 5 से 7 मिनट पकाया है, आप ये देख लेना। जब आपका कलर इसका चेंज होने लगे तो फिर इसमें कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर मैं नारियल पाउडर मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। 1 प्लेट में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नारियल पाउडर भी डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इंडक्शन को हम अपने ऑफ कर देंगे। मैं अब इसको
प्लेट के अंदर डाल दूंगी सेट होने के लिए। 2 घंटे तक हमें इसे सेट करना है। इसी तरह से अच्छी तरह से इसको फैला दें। बर्फी को हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगी, ये बादाम कटा हुआ, पिस्ता, सभी को हम अच्छे से तरह से दबा देंगे इसके अंदर। देखिए ये मेरी मैंगो कोकोनट बर्फी बनके तैयार है। लेकिन अभी मैं इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी सेट होने के लिए। फिर मैं 2 घंटे बाद इसको कट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बर्फी मेरी बनके सेट हो गई है। बर्फी मेरी बनकर तैयार हो गई है और ये अच्छी तरह से सेट भी हो गई है। अब मैं इसको काटूंगी पीसेस में। पीसेस आप छोटे बड़े जैसे भी आपका मन है वैसे कर सकते हैं। मैंगो बर्फी मेरी तैयार हो गई है और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।